जैनब के पापा गए PSL देखने। अर्शद साहब काम से घर आए और आते साथ अपनी बीवी से बोले, बेगम आज बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ले आए। अभी लाई जैनब के पापा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और अर्शद साहब मैच देखने बैठ गए। पापा जी, आपका तो मम्मा जी पर कोई रोब ही नहीं है। आपकी लाख मना करने के बाद भी वो आपको जैनब के पापा कहती है। मैं कुछ कहूँ और आपके मम्मा ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पापा जी, अगर ऐसा ना हुआ तो आपको हमें PSL दिखाने शहर लेके जाना होगा। सोच लें। मसला ही कोई नहीं पाई, मैं अभी बात करता हूँ आपके मम्मा से, आज से वो मुझे दुआ के पापा ही कहेंगी, देखना। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई। बेगम आज से बल्कि अभी से आप मुझे दुआ के पापा ही कहेंगी, मैं आज के बाद आपके मुँह से जैनब के पापा ना सुनूं। ठीक है जैनब के पापा। ये सुनकर दुआ खुशी से नाचने लगी। यस, हम मैच देखने जाएंगे, हम मैच देखने शहर जाएंगे। बेगम आपकी वजह से अब मुझे सबको मैच दिखाने शहर लेकर जाना होगा, आप भी हद करते हैं, कह देते एक बार दुआ के पापा। सॉरी जैनब के पापा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैच के दिन। दुआ बेटा आप तैयार हो गई हो, और ये आपके मम्मा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? पापा जी देखिए, सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ और ये मामा जी हैं जो सारा टाइम मेकअप करने में लगा देते हैं। इतने में उनकी बेगम भी वहाँ पे आ गईं। बेगम आप भी ना, कितना टाइम लगा दिया तैयार होने में, भला आपको मेकअप की क्या जरूरत? जैनब के पापा, आपको किसने कहा कि मैं मेकअप कर रही थी? ये जरूर दुआ के ही काम है। पापा जी, मामा जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही मेरा मेकअप किया है, ये देखें। ओहो अच्छा अच्छा, जल्दी चलें, शहर जाने में पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाएगा। ये कहकर वो बाइक स्टार्ट करने लगे तो देखा कि बाइक की चाबी तो वहाँ थी ही नहीं। चलें जी, अब ये गाड़ी की चाबी कहाँ गई? दुआ रात को आप खेल रही थी चाबियों के साथ, किधर रखी है चाबी आपने? पापा जी मुझे नहीं पता, आपने वादा किया था कि लेकर जाएंगे, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मेरे वाली पे चलते हैं। इतने में अर्शद की नज़र दुआ की गाड़ी पर पड़ी जिसके साथ उनकी बाइक की चाबी लगी थी। दुआ बेटा आप शरारतें करने से कब बाज आएंगी, ला के दे मेरी चाबियां वापस। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो घर से निकले। कुछ दूर जाकर देखा तो पुलिस का नाका लगा हुआ था। इसकी कमी रह गई थी, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, दुआ हम घर पे मैच देख लेंगे, आए वापस चलते हैं। नहीं पापा जी, मुझे मैच देखना है और स्टेडियम में ही देखना है। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहाँ से निकलकर आगे चले। वो जंगल से गुजर रहे थे कुछ दूर जाकर उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया। या अल्लाह अब क्या करें हम, इसको भी इधर ही पंचर होना था, ऐसे सुनसान जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला। पापा जी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। इतने में उनको एक बैलगाड़ी आती नजर आई। भाई साहब हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? ओ जी मदद तो मैं नहीं कर सकता, मगर आपको शहर छोड़ सकता हूँ, वहाँ आपको कोई ना कोई मैकेनिक मिल ही जाएगा। भाई साहब आप तो फरिश्ता बन कर आए हैं, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। ये कहकर वो गधा गाड़ी में बैठ गए। शहर पहुंचकर बाइक ठीक करवाई और अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार स्टेडियम पहुंच ही गए। स्टेडियम के गेट पर गार्ड्स ने उनको रोक लिया। भाई साहब हमें जाने दो, हम बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप वही अर्शद है ना जो वीडियोस बनाते हैं, वही जैनब के पापा? अर्शद ने अपना हाथ सर पे दे मारा। अरे भाई साहब इसी जैनब के पापा की वजह से आज मैं यहाँ पे स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी जाने दें वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। मेरे होते हुए परेशानी कैसी सरकार, आए मैं आपको पवेलियन में जगह दिलवाता हूँ।
फिर क्या था, वो लोग मजे से पवेलियन में बैठकर मैच देखने लगे। और तो और उस दिन लाहौर की टीम भी जीत गई। राणा फवाद भी खुशी से नाचने लगे। नच दे फुवारे हो रावी दे नजारे रंगीन चरों के दम 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 बोलो मस्त कलंदर। काइट सरप्राइज 2। इस बार कुछ नहीं देने वाली मैं। बस इस बार दे दो बेगम, आखिर हम एक ही गाड़ी के तो दो पहिए हैं। हर बार यही दो पहिए वाली कहानी सुनाकर कुछ न कुछ ले जाकर बेच देते हो। मजाल है कि कुछ लेकर दिया हो आज तक, उल्टा मेरी माँ का दिया सब बेच दिया। ये क्या चल रहा है? कॉमेडी सीरियल चल रहा है, चलो भागो यहाँ से। अच्छा बेगम सुनो ना, इस बार कुछ बहुत अच्छा करने का मूड है मेरा। सोचना भी ना, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। ला हौला वला कुव्वत, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। पिछली बार भी तुमने यही कहा था और मेरे कंगन बेच डाले, इस बार कुछ नहीं बेचने दूंगी। सुनो सुनो एक ऐलान सुनो, इस बार बसंत मुकाबला गांव के साथ वाले मैदान में होने जा रहा है। कुछ सुना बेगम, यही तो है मेरा न्यू बिजनेस प्लान। क्या मतलब? क्यों ना इस बार बसंत मुकाबले में सिर्फ मेरी ही बेची हुई काइट्स उड़ें, मगर उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? आखिर आपकी ये बाहर खड़ी खटारा किस दिन काम आएगी? अगले दिन उस खटारा को बैलगाड़ी पर रखकर असलम के गैराज लेके जाने लगा। ओ रोक भाई रोक। बस इसी की कसर बाकी थी। किधर मुंह उठा के जा रहा है, तुझे नहीं पता डबल सवारी मना है? मगर ये तो बैलगाड़ी है सरकार। सर जी को अंधा समझा हुआ है क्या? समझने की क्या जरूरत है? हैं क्या कहा? चल चलान कटेगा, 100 रुपए दे और जा। अकरम पैसे निकालते हुए, ओए ढक्कन यहाँ नहीं, वो सामने समोसे वाला नजर आ रहा है ना, अपना ही आदमी है, उसे दे दो। अकरम समोसे वाले के पास जाकर, भाई वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे 5,000 का नोट दे दो, शाम को हिसाब कर लेंगे। ऐसा है क्या इंस्पेक्टर साहब? हाँ हाँ दे दो इसको। देखा कहा था ना। अकरम ने 5,000 का नोट जेब में डाला। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। बैलगाड़ी पे बैठकर वहां से चलता बना। ओ क्यों भाई अकरम, आज इस खटारा को बैलगाड़ी की सैर करवा रहे हो? बेचने निकला हूँ असलम मियां, तुम खरीदोगे? ओ हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने में दोगे? ये मेरे परदादा की आखिरी निशानी है, इस एंटिक पीस की कीमत तो बहुत है, मगर अब तुमसे क्या जोड़ तोड़ करना, इसलिए 25,000 दे दो। ओ है ओ 25,000, ओ इतने ज्यादा, ओ ये इतनी एंटिक तो नहीं लगती। क्या बात करते हो मियाँ, दूसरी जंगे अजीम इसी स्कूटर पे तो लड़ी थी उन्होंने, अपने हिटलर की ऐसी की तैसी इसी बाइक पे बैठकर तो की थी। उस्ताद जी ले लें, इससे बेहतर सौदा नहीं मिलना, बाद में महंगे दामों बेच लेंगे। हाँ क्या तू ठीक रहा है। ये कहकर पैसे अकरम को दे दिए। अकरम ने पैसे जेब में डाले और बाजार की तरफ काइट्स लेने निकल पड़ा। शाम को घर पतंगों से भरी बैलगाड़ी लेकर पहुंचा। तो घर के बाहर खड़ी उसकी बीवी इतनी पतंगें देखकर हैरान हो गई। हाय कितनी प्यारी पतंगें हैं,
हाय हाय बहन, माशाल्लाह बोलो, कहीं नजर ना लगा देना। अगले ही दिन अक्रम ने घर के बाहर स्टॉल लगा लिया। आओ भाई आओ, आकर सब देखो, रंग बिरंगे बड़े बड़े पतंग, कम पैसों में शानदार पतंग। आओ भाई, एक नहीं दो दो लेकर जाओ। ऐलान सुनकर सभी गांव वाले वहां जमा हो गए और अक्रम से पतंग खरीदने लगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अक्रम ने बहुत सारे पैसे बना लिए। तो एक शाम खाने की टेबल पे सभी घर वाले बैठे खाना खा रहे थे, तो अक्रम ने सोफा के नीचे साइड पे रखा हुआ ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर उरुज को दिया। आज तो आपने मुझे मेरी लाइफ का दूसरा बड़ा सरप्राइज दिया है। ओए होए, तो पहला सरप्राइज कौन सा था अम्मी जान? चुप कर नालायक, पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। बसंत वाले दिन आसमान में हर तरफ बस अक्रम की ही पतंगे नजर आ रही थी, जिसे देखकर आज तो गांव के सरदार भी अक्रम को शाबाश दे रहे थे।